आज मम्मी आप लोगों को दिखने कलेक्शन दिखाने वाले हैं, देख सकते हो आप इतना सारा है। आज आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊंगी जो हमारी ट्रेडिशनल है, हाँ ड्रेस है आप लोगों को पहन के। कुछ मम्मी ने भी बनाया है और कुछ हाँ। पहले का जो है सब मैंने बनाया है। हाँ मैंने बनाया है, खुद मैंने बनाया हाँ। करके मैंने तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी जो तो ना सारे कहाम चीजें कलेक्शन फोनोगाजे प्लीज कमेंट करके बताओ। कमेंट खाइए प्लीज सपोर्ट खाइए आनी गाना दौदे नरक आना हमजा दीदी आंगो नरक बेले बेले खेन हम बैदेवा हमजा दुगो नरक आना हमजा मारे दौदे तो चलो शुरू करते हैं। दिखाती हूँ अभी पहन के, लेकिन ऐसे पहन के दिखाऊंगी ज्यादा मैं हाँ। ये नहीं दिखाऊंगी, ऐसे सिंपल करके दिखाऊंगी। ये कौन सा है? पिंक कलर ये पिंक कलर का है, सिंपल है ये हाँ। एक कौन सा है? ग्लिटर वाला है इसमें हाँ। ये ट्रेडिशनली तो रियांग लोग स्पेशली पहनते हैं हाँ। ये उसका उन लोगों का डिजाइन है, हमारे पास है कि है रियांग लोग वो लोग भी हाँ एक ट्राइब है हाँ। उसको ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, देखो पास से दिखाते हैं इसे, देखो ये कितना शाइन कर रहा है, ग्लिटर वाला है पूरा दिखाओ हाँ। तो ये आंचल है ऐसे करके पहनते हैं हाँ, ऐसे ब्लाउज के साथ पहनते हैं, ब्लाउज के साथ पहनते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही नाइट के साथ पहन के दिखाया, दोबारा मैं दिखाऊंगी अच्छी चीज हाँ। सजा के मेकअप चेकअप करके मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैंने कान में भी कुछ नहीं पहना, गले में भी कुछ नहीं पहना, क्योंकि गले में मेरे जो चेन पहनने से थोड़ा ये दाग दाग हो गई, मेरे काला काला जैसे हो गई, इसलिए मैंने नहीं पहना। तो जो कान में इयर रिंग भी पहनती थी घर में है ना, इसलिए अभी गर्मी की वजह से नहीं है, थोड़ा जो हुल है ना जो इयर रिंग जो इयर रिंग पहनती है पहनने के लिए जो हुल करते थे ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गई मेरी, इसलिए मैंने अभी इस खोल के रख दिया नहीं पहना, इसलिए मैं वैसे ही मैं ज्यादा सिंपल से रहना पसंद, घर में रहते हैं ना तो इसकी वजह से घर में तो सिंपल ही जो ज्यादा सजा के मेकअप से करके हैवी मेकअप करके मेरे को पसंद नहीं है इसलिए। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करना। ये है पिंक कलर का अच्छा है ना, ये ऐसी भी कर पहन सकते है हाँ। थोड़ा हम जो दिखने है ना पहने से थोड़ा और भी मोटी सा दिख रहे ना मोटी करके दिख रहे ना, नहीं ठीक है। तो ये अभी एक हो गई तभी दूसरा पहनती हूँ। ये बहुत प्रिटी है पिंक कलर का, ये सेटी ही है, ये अलग से उसको पहना आंचल अलग से आंचल के साथ पहनना पड़ेगा ये तो ओरिजिनल वो ट्रेडिशनल वाला है हाँ, रियांग का हाँ, ये मेन ट्रेडिशनल ड्रेस है रियांग लोगों का है ये जो और हमारा ट्रेडिशनल वो है क्या रिकना है गाँव में है। अरे हम आपको वो भी दिखा सकते थे अगर यहाँ पर होता तो, स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं ना बच्चों के तो बहुत ये जरूरी है चाहिए, इसलिए मैंने ये भी एक बनाया है उसको इसके साथ थोड़ा सा आंचल जैसी है स्कार्फ जैसी है रिशा बोलते हैं रिशा इसके साथ पहनते हैं। तो ये भी दिखाया आप लोगों को कैसा लगा देखो अच्छा ही लगा मुझे तो मैंने बनाया है ना इसलिए अच्छा ही लगेगी तो ये मैं बनाया है, मैं खुद बनाया है ये भी, ये तो स्पेशली वेडिंग में पहनते हैं लोग। मेरा हस्बैंड की फेवरेट कलर है येलो कलर, देखो ये कितना शाइनी और ग्लिटरी है ये देखो पास से, इसलिए आज इसको मैं डेडिकेट करती हूँ ये पहन के हस्बैंड मेरे पति देव के लिए, शायद आप लोग शायद उनको भी देखोगे ये जो से दिखाते हैं, देखो ये कितना मतलब ये कलर ये बहुत पसंद है उनको फेवरेट कलर इसका पैटर्न, तो इसके लिए मैं मेरा हस्बैंड के लिए ही बनाया है ये खास करके, क्योंकि आंचल अभी बनाया नहीं है बनाऊंगी सिर्फ मैं नीचे की बनाया है अभी आंचल भी बनाना है हाँ। स्पेशली ये तो हम लोग वेडिंग में पहनते हैं ना दूसरों के, खास करके वेडिंग में पहनती है, अभी ये मैंने एक बार भी नहीं पहना हुआ है ये तो कम्प्लीट भी नहीं हुआ, वो जो आंचल आंचल है ना वो बनाना है अभी बाकी है।
तो आप लोग आज देखो ये तो बनाना बहुत मुश्किल है। कैसा लगा हम लोगों को? ये सब सिर्फ हाथ से बनाते हैं ना ये लोग। मैं मॉडल है ना, मैं मॉडल जैसी तो मैं वाक करके नहीं दिखा सकती, ऐसी दिखाऊंगी। तो ये हो गए, और ये है ब्राउन और गोल्ड। ब्राउन गोल्ड का है, ब्राउन और गोल्ड तो बहुत मैच करता है। मेरे फेवरेट कलर का ये, मेरे फेवरेट कलर है, इसी कलर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। उल्टा है क्या? उल्टा नहीं है, ये तो थोड़ा वो वाला है, पहले मतलब ऐसा डिजाइन बनता था, ज्यादा डिजाइन वाला नहीं है। अभी तो एकदम हैवी डिजाइन वाला पहनते हैं सब। हाँ। एकदम हैवी वाला, वो येलो का देखा था ना ऐसा ही। हाँ, लहंगा बोलते हैं ऐसे, लहंगा टाइप के, लहंगा का डिजाइन, शादी में ज्यादा पहनती है। ब्राउन और गोल्ड हाँ, एकदम मैच करता है। अच्छा है, अच्छा है ना। तो कितना हुआ भी? 4 हो गए ना। हाँ। ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर है ये। ये भी ज्यादा हेवी नहीं है, हेवी ये भी प्लेन है, ये भी सिंपल सा है। ये आंचल है, ये मैं ज्यादा, ये जो हमारे ड्रेस है ना, पहनने के टाइम भी नहीं मिलता। बच्चों के पढ़े के पीछे यहाँ पे रहना पड़ता है, जो शादी का इनवाइट मिलते हैं तो वहाँ इनवाइट में जा नहीं सकती। इनवाइट तो हमेशा एग्जाम के पास ही होता है, हाँ, एग्जाम के टाइम भी मिलते हैं तो जा नहीं पाती, तो इसलिए ज्यादा पहनने के लिए मैं मौका नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो बस एक दो बार पहना होगा ना ये? 2 बार पहना हुआ है। ये दिखता बहुत कुछ, जो अभी लहंगा वाला है ना वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हैंडमेड होता है ना सब। इस ये भी सब कुछ हैंडमेड होता है, हैंडमेड होता है। बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से कुछ कुछ तो एक एक 10,000-15,000 में बिकता है। जो येलो कलर, येलो वो तो 15 में होगा शायद, 10,000-15,000 तो होगा। ये तो इतनी सिंपल सा है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, जो 5,000 में मिल जाता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। ये लाइलैक है ना? पता नहीं ये कौन सा कलर बोलते हैं, ये भी मेरी फेवरेट कलर है। ये तो 3-4 पहना हुआ है मेरे, ये कलर बहुत पसंद है मुझे, जो तुम्हारी मामा सुब्रत की शादी में है ना। हाँ, ये वाला पहना था, ये वाला ही पहना है मैंने, गोल्ड और ये। हाँ। ये भी मैच करता है, एक सिंपल सा कलर, मतलब ये पहने से थोड़ा इस मन में थोड़ा थान सा, हाँ, थान सा मिलते हैं। ज्यादा ब्राइट कलर मुझे पसंद नहीं है, कलरफुल ऐसे कलर को मुझे पसंद नहीं है। इसमें तो आप बहुत मैच भी करते हो, मैच करते हो ना? हाँ, दूसरे कलर से ज्यादा मैच करते हो इसमें। ऐसा वाला भी एक बनाना, और भी हैवी वाला ऐसे। हाँ, ये भी ज्यादा हैवी डिजाइन नहीं है, ये भी सिंपल सा है। वाह, ये बहुत मैच करता है, तो आपसे मैच करता है, बहुत मैच करता है ना। हाँ, ये देखो, देखो गाइस। मम्मी के पास तो इतना सारा है, पहले के टाइम में नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता, आप लोग की वजह से, एग्जाम के वजह से, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम में ज्यादातर शादियां होती है। हाँ, सबको एग्जाम के टाइम में शादी करना है, मतलब हमेशा ऐसा होता है, इसलिए हम जा नहीं पाते। मन तो कर रहे हो जाने के लिए, लेकिन नहीं, लेकिन हमेशा तो पहले देखना पड़ता है, एग्जाम को पहले देखना पड़ता है ना, इसलिए जा नहीं सकते।
ये भी है, ये सूट करता है। हाँ करता है ये सूट, अच्छा है। ब्लाउज के साथ पहनने से और थोड़ा अच्छा लगता है। अभी ब्लाउज नहीं पहना ना, ये भी एक ये आंचल है सर, अच्छा है। कौन से कलर होते हैं इसे? पर्पल तो नहीं, पर्पल नहीं, पर्पल है ना? ये वॉयलेट है। वॉयलेट है, अच्छा है। ये खुद मैंने बनाया हुआ है गाइस, देखो बहुत मेहनत लगते है गाइस, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बनाती हूँ मैं दरवाजा, जो खिड़की है ना उसी में। खिड़की में पूरा फूल देखा, फूल आ रही है ना पूरा नीचे भी। तो ये वाला तो सबसे ये एक्सपेंसिव वाला है, एक्सपेंसिव वाला है। ये तो 15,000 में बिकेगा ऐसा लगता है। 15,000 नहीं, 12-13,000 में। ये ब्लैक और गोल्ड इतना ब्यूटीफुल है ना, देखो आप लोग। जो मैं ये बनाया था ना, तो मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गई थी, बहुत ज्यादा। ये बहुत हैवी है, हमेशा ऐसे झुक के बनाना पड़ता है गाइस। देखो ये बहुत हैवी है, थोड़ा दूर जाओ। हाँ आप देख सकते हो, ये एकदम ग्लिटर जैसा शाइन करता है। ये सब मम्मी ने मेहनत से बनाया है। हाँ बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गई थी ये बनाते समय, बहुत ज़्यादा। एकदम चमकता है ये, कैमरा में तो थोड़ा कलर ऐसे आ रहा है लेकिन रियलिटी में बहुत शाइन करता है ये। हाँ अभी रात है ना, रात में है इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से क्लियर से नहीं आ रहा। वो ठीक करना, हाथ कहाँ। हाँ ठीक है, ठीक है ना। एकदम बढ़िया है ये, ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे कर कर भी। ये रियलिटी में तो ये और भी चमकता है। हाँ ये रात है ना, तो इसकी वजह से इतना शाइन दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा भी हमारे फोन का इतना अच्छा नहीं है, तो कितने हो, 9 हो गए ना। ये भी इतना सुंदर है, मेरे बेटी का फेवरेट कलर है, इसलिए बनाया है मैं, उनको पसंद का कलर है ये। थोड़ा शादी में तो ऐसे चमकता हुआ कपड़ा पहनना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये रेड कलर बनाया है। वैसा तो रेड कलर मुझे पसंद नहीं है, रेड और गोल्ड है ये। रात में, रात के लिए इतना दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इतना मैं पास में जाके दिखाती हूँ। अरे ये कैमरा में क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा बढ़ाना होगा या कम करना होगा। हाँ देख सकते हो गाइस, ये आंचल है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव में बिके, बहुत हैवी है ये, बहुत हैवी है, पूरा बॉडी में फुल है। फुल बॉडी है, फुल बॉडी बनाया हुआ है। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं पास में जाके दिखाते हो। अच्छे से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। देखो गाइस ये कितना प्रिटी है, ये सब मम्मी की मेहनत से बनाए। ठीक है जो वो यहाँ बोल तो खाए तो हाँ तो यू यंग दिखी, याक दिखी।
नहीं भूखा भूखा तो गाइस कमेंट करके बताओ आपको पसंद आया ये सब, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है बताओ हमें। हाँ, कौन सा आपके फेवरेट कलर है, कौन सा कलर से मैं शूट करती हूँ ज़्यादा, मैंने मतलब ज़्यादा शूट करती हूँ ज़्यादा चमकती हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर। और भी मैं और भी नया नया वीडियो बनाऊँगी, और भी आप देखते रहना बस। मेरी जो क्या बोलती है जो मेरे ट्रेडिशनल कलेक्शन है ड्रेस वो दिखाऊंगी, और भी है मेरे पास भी दिखाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।